हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पठान ब्लॉग्स में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जादोवाड़ी के पास में, जो पुराने मकबरे हैं। मैंने पिछले दो वीडियो में आपको दो मकबरे दिखाए थे, अभी ये तीसरा मकबरा है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये असल बात ये है कि इन मकबरों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, यहाँ पर लिखी हुई नहीं है या कहीं इसका कुछ जिक्र भी नहीं मिलता है, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, ये एक और एक मकबरे के पास में आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इस वक्त जादोवाड़ी का जो बाज़ार है उसके बाजू में हूँ, और ये देख सकते हैं आप ऊपर जो है तो मकबरा बना हुआ है, और यहाँ पे नीचे अभी एक मंदिर बन गया है। ये देख सकते हैं मकबरे के पास में ये कंपाउंड वॉल भी बनी हुई है। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रास्ता शायद अभी मिल नहीं रहा है। मेरे पीछे जो मकबरा आप देख रहे हैं, एक वक्त था जब यहाँ पे जो है पूरा बादशाह औरंगजेब का राज चलता था, उन्हीं के दौर में ये उनके वजीरों के उनके मकबरे बने हुए हैं। वैसे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मालूम मकबरों के बारे में नहीं मिलती है, तो चलिए मकबरे को थोड़ा भी नज़दीक से देखते हैं। मकबरा है जो है आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता था वो रास्ता का दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर जाने के लिए, ये नीचे से ऐसे रास्ता था शायद। यहाँ पे अभी मंदिर बन गया है, देख सकते हैं। पूरा खंडर हो गए मकबरे, इसे मकबरे खंडर होने की वजह से मंदिर वगैरह बन जा रहे हैं उनके जगह पे। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है ये मकबरा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा जादोवाड़ी के पास का और एक मकबरा, जिसके ऊपर अभी मकबरे के नीचे जो जहाँ पे जाने के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी वहाँ पे मंदिर बन गए हैं, इसलिए अभी ऊपर नहीं जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।